बिजनौर शहर कोतवाली में एक बैंक ग्राहक को 50,000 का चूना लगाने का मामला प्रकाश में आया है। बैंक ग्राहक अशोक कुमार जनपद बिजनौर के नहटौर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी है, जिसकी बिजनौर के पंजाब नेशनल बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में खाते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि अशोक कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक के चेक बुक से 50,000 का चेक अपने ही नाम से काट कर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के चेक ड्राफ्ट बॉक्स में अपने खाते से जमा करने के लिए ड्राफ्ट किया था, लेकिन वह चेक किसी अज्ञात व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक की विकास भवन शाखा से कैश करा लिया। बैंक ग्राहक जब अपनी बैंक पासबुक में एंट्री कराने पहुंचा तो ये सब देख दंग रह गया, जिसकी शिकायत बैंक ग्राहक ने बैंक मैनेजर से की। दोनों ही बैंकों के मैनेजर से बात करने पर पता चला कि मामला कुछ माह पूर्व का है और उनके भी हाल ही में संज्ञान में आया है। बैंक ग्राहक इस तरह का मामला सामने आने के बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है और पुलिस को तहरीर देकर जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं स्टेट बैंक वाले इस तरह के किसी भी चेक का कोई रिकॉर्ड अपने पास न होने की बात कह रहे हैं। भले मामला कुछ भी हो, ये तो बात साफ है कि चेक का भुगतान तो पंजाब नेशनल बैंक से हुआ ही है, वो चाहे किसने भी कैश कराया हो। अशोक कुमार जी, जो आपका चेक का जो मामला हुआ है, क्या पूरा मामला? ऐसा मामला है, मैंने पंजाब बैंक का चेक विकास स्टेट बैंक में जमा किया। अच्छा, खाता मेरा स्टेट बैंक में है। अच्छा, और ये खाता मेरा पी एम पंजाब बैंक विकास भवन में है। अच्छा, तो 50,000 रुपये मुझे पंजाब बैंक से स्टेट बैंक को ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, क्या हुआ? वो नहीं मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ खाता। तो कहाँ गया आपके पास? मैं चेक बॉक्स में डाल दिया चेक। तो आपने बैंक में किसी से मालूम किया? बैंक में मालूम किया, मैंने खाते में एंट्री कराई तो खाते में एंट्री नहीं हो पाई। खाते में मेरे पास जो मैसेज आता रहा कि आपका 50,000 रुपये हमारे खाते, मतलब वो परी जमा होनी थी, 50,000 रुपये की परी जमा होनी थी, और मैडम का फ़ोन आता रहा मेरे पास, ठीक है, कह रहे कि तुम्हारा चेक नया 50,000 रुपये नहीं आया। हाँ, तो मैंने अपना खाता चेक कराया, अपना खाता चेक करा, मेरे खाते में पैसे नहीं चढ़े। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। कुमार जी, चेक का मामला है, क्या है? चेक का मामला ये है कि हमारे फादर का एक अकाउंट PNB में और एक SBI में, उन्हें कुछ पैसे PNB से SBI में डालने थे, तो उन्होंने चेक बना करके 50,000 का वो SBI के चेक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, और 2-3 दिन के बाद ये ट्रांजेक्शन हो गई PNB के अकाउंट से 50,000 की। हमने सोचा कि वो पैसा पहुँच गया, लेकिन जब हमने बुक की एंट्री कराई SBI में तो पता लगा कि पैसा नहीं आया। फिर अपने SBI में पता करा, उनसे बोला कि चेक आया था हमारा, तो उन्होंने बोला यहाँ कोई चेक नहीं आया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ पर कोई चेक नहीं आया। उन्होंने बोला कि आप PNB जाइए और वहाँ से जो है आप पता कीजिए चेक के बारे में। हम PNB गए तो उन्होंने बताया मेरे से कि आपका जो चेक है ये कैश पेमेंट हो चुका है। अब ये पता नहीं चला कैश पेमेंट कैसे हो गया, हमने चेक बॉक्स में डाला SBI के, लेकिन ये पता नहीं कि वो SBI के चेक बॉक्स से हमारा चेक 50,000 का किस तरह का है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हम वो आरोपी पकड़ा जाए और हमारे 50,000 FIR करा दी। FIR तो नहीं हुई, बस मैंने एप्लीकेशन दी है थाने में, उसमें कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर साहब ने लिख दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए, अब उस पर कार्रवाई होगी, अब वो उनके आने पे पता लगेगा।